शादी का झांसा देकर यूपी से लाए नाबालिग युवती के साथ हुआ युवक का रोड एक्सीडेंट। मैथन थाना अंतर्गत मैथन सेरेमिक के पास शुक्रवार की रात चिरकुंडा के पवन साव के पुत्र बिक्की साव द्वारा यूपी से लाए गए दूसरे समुदाय के नाबालिग युवती के साथ हुआ रोड एक्सीडेंट। मौके पर मैथन पुलिस पहुंचकर युवक और युवती को उपचार के लिए स्थानीय नर्सिंग होम में ले गया, जहां गंभीर चोट होने के कारण धनबाद PMCH रेफर कर दिया गया। वहीं नाबालिग घायल युवती ने बताया कि चिरकुंडा के बिक्की साव नामक युवक मुझसे शादी का लोभन देकर मुझे यूपी के गोरखपुर से लाकर एक महीने से अपने घर में रखा हुआ है, लेकिन अभी तक मुझसे शादी नहीं किया। इसकी सूचना जब हमने अपने घर वालों को दिया तो उन्होंने लड़कों को बताया कि तुम दोनों गोरखपुर आ जाओ, यहीं शादी करवा दूंगा, लेकिन लड़का ने जाने से इनकार किया। अब मुझे एक महीने रखने के बाद शादी से इनकार कर रहा है और आज मुझे मौलवी से फुकवाने को कहकर बाइक पर बिठाकर पूरी तेजी रफ्तार से लेकर जा रहा था, उसी दरमियान हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया। निरसा से आजाद अंसारी की रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला है कि वो मेरे को लेकर आया था गोरखपुर से। जोर से बोलो। गोरखपुर से मेरे को लेकर आया था। मेरा भाई से बात किया कि उसको हम रखेंगे जिंदगी में, उनको भेज दीजिए। तो मेरे भाई बोला ठीक है, तुम पटरौना भी आ सकते हो, गोरखपुर भी आ सकते हो, कि तुम्हारा हम शादी करा दे कोर्ट में ले जाकर। तो बोला कि नहीं, भेज दीजिए यहाँ पे, हम यहाँ पे शादी कर लेंगे। तो भाई बोला ठीक है, चल जाएगी एक हफ्ता। कितना एज हुआ आपका? मेरा 17। क्या नाम है? रेशमा खातून। जो लड़का लेकर गया उसका क्या नाम है? बिक्की। कितना एज होगा उसका? उसका 20 साल। ठीक। अभी अभी कैसे घटना घटी, अभी इसके बारे में क्या? अभी हम लोग जा रहे थे हाफी जी के पास, मंदिर के पास, मतलब जा रहे थे शायद दुआ कराने। तो वही गाड़ी खूब स्पीड में चलाया, पता नहीं क्या हुआ, तेज चला रहे थे, बस इतना मालूम है, वीरे हुए तो मालूम नहीं है हमको। तो खुद लेके आए कि आप खुद आई हैं उसके साथ? नहीं, वही खुद हमको बुलाया है और हम आए थे। कितने दिनों से यहाँ पे हैं? अभी एक महीने से। तो अभी क्या चाहती है अभी आप? जब वो नहीं रख रहा है तो हम नहीं रहेंगे। नहीं रहना? नहीं, रखना नहीं चाह रहा। नहीं, अभी वो लोग बोल के रखेंगे, बाद में कुछ करेंगे, तो नहीं, हम नहीं रहेंगे।